ऐसी निशानी वाला शस्त्र मुझे चाहिए। ठीक से देख लो, पहचानते हो इसे? श्री चक्र निशानी, सिर्फ ये गांव ही नहीं, जंगल का हर एक कोना हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे निशान वाले शस्त्र को हमने कभी नहीं देखा। ध्यान से सुनो, आज भाद्रपद की पूर्णिमा है। चंद्रमा की किरणें इस धरती पर पड़ने से पहले ये शस्त्र मुझे हर हाल में चाहिए। ढूंढना शुरू करो। गुरुजी! क्या हुआ बेटा, भाग क्यों रहे हो? बहुत आराम से पहुंचे हुए स्वामी आए हैं। 2 घंटे के अंदर कुछ भी ढूंढ निकालेंगे। जंगल में मिले उनको लेकर आया हूँ। जल्दी चलिए, वो पहलवानों के पास है। चलिए। ये ज्ञानी एक साधु के समान है। आंखों की पट्टी खोलकर इन्हें जंगल में ले जाओ। हे, कौन है वो जो इस बाहुबली को साधु कह रहा है? इन बाजुओं से मैं कितनी बलि चाह चुका हूँ पता है? मैंने अगर अपनी आंखों की पट्टी खोल दी तो सब ओझल हो जाओगे। हे बच्चो, खोल जल्दी। डायलॉग तूने मारा था क्या? मैंने नहीं मारा। इस जगह कोई अद्भुत शक्ति है क्या? क्या है वो? क्या है वो? तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो ना? छठा घर में बैठा हुआ सूर्य, 7वें घर में बैठा हुआ चंद्र, एक साथ जिस दिन तेरे घर में आएगा उसी दिन तुम माँ बनेगी। अरे पागल की औलाद, खुद की शक्ल तो देख नहीं रही और तुम मुझे पागल कह रही है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलग अलग कोना कोना हिला हिला। मैं चला। बहुत बड़े महात्मा लगते हैं। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा स्वामी जी। अरे मैं तुझे क्या बताऊं? तेरा चेहरा देखकर तो मैंने तेरी हिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ लिया है। मेरे पास आकर तूने इंट्रोडक्शन कैसे दिया? संस्कृत में दिया। ए, ये खेल तू किसी और जोकर के साथ खेलना, मेरे जैसे मास्टरपीस के साथ मत खेलना। मुझे क्या समझते हो? मुझे ए! जो चांद पे जाता है उसे क्या कहते हैं? रॉकेट। वो रास्ता चूक कर गलत रास्ते पे जा रहा था, तब पंडित जी आकर बोले कि रॉकेट अपना रास्ता भूल गया है। तब मैंने उनसे कहा, पंडित जी तुम रॉकेट को उस तरफ भेजो, चांद उस तरफ है, ऐसा ही रास्ता दिखाने वाला मैं हूँ। हमारे प्यारे ईश्वर जी, प्लान बनाते बनाते नदी कहाँ है ये भी भूल गए। किसानों को तकलीफ ना हो, नदी को ढूंढ कर डैम बना कर खेतों को पानी पहुंचाने वाला मैं हूँ। इतना ही नहीं, हमारी पड़ोसन शीला, शीला अपनी इज्जत ही गवा चुकी थी, उसकी इज्जत को ढूंढ कर लाने वाला मैं हूँ। तुम्हारे गांव में ऐसा कुछ खो गया है तो हमें जल्दी बताओ, ढूंढ कर दूंगा और चला जाऊंगा। बाजू के गाँव में जो पुलिस वाला है ना, उसका गन और बुलेट खो गया था, उसे भी ढूंढ कर लाया। कुछ भी खो गया कोई बात नहीं, चाबी का गुच्छा, वॉच, पर्स, गहने, गले का हार, किसी के भी अंडरगारमेंट को छोड़कर 2000 देकर 7 दिनों तक इंतजार करो। यूं जाऊंगा और यूं लेके आऊंगा मैं। टाइम नहीं है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। हमारे गांव का गाय गुम हो गई है क्या? मंदिर कहीं खो गया है। मंदिर खो गया है। अरे मंदिर कैसे खो सकता है? लगता है किसी पागलों के गाँव में आ गया हो यार। वे भगवान, सच कह रहा हूँ, हमारे गाँव का मंदिर खो गया है। सच में तुम्हारे गांव का मंदिर खो गया है तो वो खुद अपने आप को 4 व्हील लगाकर यहाँ से सीधा कृष्णदेव राव के महल में बैठ गया होगा। तुम लोगों में से किसी के पास कोई पुराना जंजीर है तो उसे कसकर बांध कर यहाँ खसीटते हुए ले आओ। मुझे अपना लुंगी खोलकर फिर से बांधते हुए तुम लोगों ने देखा ना? बोलो, देखा कि नहीं? अब मेरा पराक्रम देखो। ये तो जानकी वाली दे रहे। ए, तू जरा इस साइड आ। अच्छा, अरे बेचारा, लगता है इसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई। वहाँ देख, जान बचा। मेरी बात सुनो, मुझे जान से मारने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। ये क्या काम से? कहते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना बहुत जरूरी है ना। हाँ, मान लो। I'm very sorry. बाप ऊपर से बात कर। मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका। आपने क्या कहा था? बेटा तू मरने से पहले किसी 10 नंबर वाली से ही सही, लेकिन उसके साथ घर बसा लेना, ऐसा पिताजी ने कहा। लेकिन अपने बाप की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। इस लैंड से नो मोर लैंड तक चक्कर लगा कर आया, अब जंगल में आग
का ढूंढ रहा हूँ, कोई भी नहीं मिला। मेरे बाप, कोई नहीं मिला। सॉरी फादर, अब बलि चढ़ा सकते। इधर आ, चल इधर आ। क्या हुआ? ये तुझे पसंद है? बाबूजी, मैं जंगल के किसी भी जानवर से शादी कर लूंगी, लेकिन इस बटले से नहीं करूंगी। इसकी शक्ल तो देखो, चिंपांजी जैसा लगता है। तो इस तरह मेरा साथ मत छोड़। ऐश्वर्या पादुकोण, तू मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरा नाम ऐश्वर्या पादुकोण नहीं है, लिंग राजा है। लिंग राजा? बाबूजी, वैसे भी आधा दिन गुजर चुका है और अब तक हमने उस शस्त्र का पता भी नहीं लगाया है। इसे छोड़ दूं या मार दूं? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? बेचारा पहले ही डरा हुआ है। तुम लोग एक काम करो, इस गांव में राजा की निशानी की एक अंगूठी है, वो अंगूठी इन्हें दिखा दो। हाँ, मैं पहचान लूंगा। दो मिनट में फैसला हो जाएगा। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। सुन दो प्रभु। अनीता जी, एक मिनट। हाँ, आपको किसी बेचारे की जान बचानी क्या? अंगूठी उठा के दे। मेरी पहनाई हुई अंगूठी उतारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंगूठी पहना देने से शादी नहीं हो जाती, जान देने वाला प्यार होना चाहिए सीने में। ए प्रज्जू, ए सुन सुन सुन, ए सुना। यही वो अस्त्र है जिसमें श्री चक्र का निशान है। यही है वो अस्त्र? हाँ, यही है। अरे वाह, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। लक्ष्मी वास वाले लड़के को इस अस्त्र से बलि दिया जाएगा तो एक बिजली टूटकर इस गांव पर गिरेगी और उसके बाद वो मंदिर प्रकट होगा। गुरुजी, कल ही पूरे गांव वालों को एकत्रित करके हम लोग उत्सव मनाएंगे। अब कल ही इसी अस्त्र से उस लड़के को।